भारत इस समय कई वैश्विक संस्थाओं को लीड कर रहा है और इसके जरिए अपनी नेतृत्वकारी क्षमता से पूरे विश्व को एक नया संदेश दे रहा है कि विश्व राजनीति में अब भारत का हक या स्थान नहीं मारा जा सकता। चाहे G20 हो, ब्रिक्स हो, आगामी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ग्लोबल अलायंस की अध्यक्षता हो या फिर UNSC का वर्तमान नेतृत्व हो, भारत विश्व व्यवस्था में लगातार मुखर होता नजर आ रहा है। नमस्कार, धे टीवी के न्यूज दिस आर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। भारत के नेतृत्व को लेकर ताजी खबर की बात करें तो भारत इस माह एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है। इससे पहले अगस्त सितंबर माह में 13वें एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन कांग्रेस का आयोजन किया गया था। बैंकॉक में आयोजित इस कांग्रेस में भारत के पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के तत्कालीन सदस्य विनय प्रकाश सिंह ने एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के सेक्रेटरी जनरल का पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए रहेगा। अब अगर हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें जो इस विषय से संबंधित है, तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन एक अंतर सरकारी संगठन यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुल 32 सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। इसका मुख्यालय बैंकॉक में स्थित है और एशिया प्रशांत क्षेत्र का भू राजनीतिक, भू आर्थिक और भू सामरिक महत्व सभी को पता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में आज दुनिया भर के देश अपने हितों के लिए सक्रिय हुए हैं। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन एशिया प्रशांत क्षेत्र में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का एकमात्र यूनियन है जो संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत अभिकरण है यानी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का गठन वर्ष 1961 में हुआ था। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच पोस्टल रिलेशन को बढ़ावा देना, साथ ही पोस्टल सेवाओं यानी पोस्टल सर्विसेज के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना भी है। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का महासचिव इस यूनियन की गतिविधियों को नेतृत्व प्रदान करता है और वह एशिया पैसिफिक पोस्टल कॉलेज का डायरेक्टर भी होता है। एशियन पैसिफिक पोस्टल कॉलेज एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल पोस्टल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के प्रोजेक्ट्स के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में काम करता है। अब अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई दारुसलाम, कंबोडिया, चीन, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कोरिया रिपब्लिक, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, मालदीव, म्यांमार, नौरू, नेपाल, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, समोआ, सिंगापुर, सोलोमन द्वीप, थाईलैंड, टोंगा, वियतनाम और वनवातु शामिल हैं। गौरतलब है कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत ने अपने हितों को देखते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपने इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट को भी बढ़ावा दिया है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां आपको भारत की ग्लोबल लीडरशिप की भूमिका दिखती है, जहां भारत ग्लोबल लीडरशिप का रोल निभा सकता है।